अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने यू टोरेंट की स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं। अगर हमारी यू टोरेंट की डाउनलोडिंग स्पीड थोड़ी है तो हम अपने यू टोरेंट की डाउनलोडिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना यू टोरेंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपने ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे नज़र आएगा प्रेफरेंसेस। उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक हो जाएगा तो कुछ ऐसा आपके सामने शो होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने कनेक्शन में चल जाना है। ये कनेक्शन, जब आप कनेक्शन में आ जाएं तो आप ये जो वैल्यू देख रहे होंगे इसको आपने सेट कर लेना है 4, 5, 6, 8, 2। इस वैल्यू को आपने ये सेट कर लेना है। और उसके बाद इसके नीचे आप ये देखें, इसको भी टिक कर देना है, इसको भी टिक। और ये जो है इसको आपने टिक नहीं करना। जब इतना आपका काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद कनेक्शन के नीचे आप देख रहे होंगे बैंडविथ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये फर्स्ट जो बॉक्स है यहाँ पे आपने वैल्यू सेट करनी है 0। और उसके बाद आपने इस वाले बॉक्स में वैल्यू सेट करनी है 0। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने वैल्यू सेट करनी है 2000। उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने वैल्यू सेट करनी है 1500। उसके बाद सबसे एंड वाला जो बॉक्स है इस पर आपने वैल्यू सेट करनी है 25। उसके बाद आपने किसी भी बॉक्स को यहाँ से चेक नहीं करना, सिर्फ जो आखिरी है इसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद आप बैंडविड्थ से नीचे आए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा बिट टोरेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जोन से भी ऑप्शन के ऊपर टिक है उनको आप टिक कर लें, बस ये और ये, इसको आपने इन दोनों को टिक नहीं करना, बाकी आपने सारे ऐसे ही टिक करने हैं। उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पर लिखा होगा आउटगोइंग, इसको आपने कर लेना है इनेबल और इसको भी आपने टिक कर देना है। जब आपका इतना हो जाए तो उसके बाद आपने अपने लास्ट में आना है एडवांस्ड। एडवांस में आने के बाद आपने इसको थोड़ा नीचे करना है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा DHT.rate, इसकी जो वैल्यू आपने सेट करनी है वो है 2 आपने लिखा। तो यहाँ पर सेट का बटन है, इस पर आप सेट कर दें। उसके बाद दोबारा से आप थोड़ा और नीचे आएं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा RSS.update interval, इसकी जो वैल्यू है आपने गौर से सेट करनी है 20। इसकी वैल्यू 20 सेट करनी है, सेट करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमें जाना है अपने गूगल क्रोम पे। मैंने एक लिंक कॉपी किया हुआ है, उस लिंक को आपने पेस्ट कर देना है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उसके बाद ये सारा जो टेक्स्ट है इसको आपने कॉपी कर लेना है और जितना भी लिखा हुआ है इसको आपने कॉपी करके ये डाउनलोड कर, ये देखिए बटन नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये कॉपी नहीं हो रहा यहाँ से। ये देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया है, डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा यहाँ से, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आप इसको सारा का सारा कॉपी कर लें। ये सारा मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप दोबारा अपने यू टोरेंट पर जाएं, वहाँ पर जो भी चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं उस पर क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आपने सारा रिमूव कर देना है और जो नया कॉपी किया है इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो गाइज ये था मेथड कि हम अपनी यू टोरेंट की स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।